मैं महसूस कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ कि चंद्रिका की आत्मा इसी घर में भटक रही है। वो यही है, यही है। वो बार बार इस शरीर में प्रवेश करने का प्रयत्न करेगी, और जब भी वो इस शरीर में प्रवेश करेगी, इस शरीर में हरकत होगी। यदि यदि चंद्रिका की आत्मा इस शरीर में हमेशा हमेशा के लिए प्रवेश कर लेगी, तो ये चंडालिका बन जाएगी चंडालिका। इससे पहले चंडालिका बने, इससे पवित्र अग्नि को सौंप दो। उठाओ इसे, ले जाओ, ले जाओ। हेलो, इस लाश का अंतिम संस्कार नहीं हो सकता, इसका पोस्टमार्टम होगा। लेकिन क्यों, किस लिए? ये तो एक नेचुरल डेथ है। आपके पास क्या सबूत है इसका? इंस्पेक्टर साहब, आई एम डॉक्टर सुनील, मैं इनका फैमिली डॉक्टर हूँ। चंद्रिका जी पिछले कई दिनों से बीमार थी, और ये रहा वो सब। क्या बीमारी थी इन्हें? ब्लड कैंसर, और आप तो जानती है कि कैंसर का कोई इलाज नहीं। जानता हूँ। लेकिन मुझे लगता है चंद्रिका ने आत्महत्या की है। इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी पत्नी थी, मेरी पत्नी। क्या आप इसे मुझसे ज्यादा जानते हैं? और वैसे आपसे किसने कह दिया कि चंद्रिका ने आत्महत्या कर ली? मुझे चंद्रिका ने फोन करके बताया था। चंद्रिका ने आपको फोन किया था? कब? ठीक 1 बजे। क्या बात कर रहे हैं, चंद्रिका की मौत तो 12 बजे के करीब हुई है। आपको यकीन नहीं आता हो तो पूछ। अरिया, इनको बताओ चंद्रिका की मौत कितने बजे हुई है? उससे क्या पूछ रहे हैं आप? चंद्रिका ने मुझे फोन पर कहा है कि वो जिंदगी से बेजार होकर अपने पति से तंग आकर आत्महत्या कर रही है। उसकी मौत का जिम्मेदार उसका पति है। इंस्पेक्टर साहब, लेकिन चंद्रिका की मौत 12 बजे हुई है, वो भला आपको 1 बजे कैसे फोन कर सकती है? इंस्पेक्टर साहब, आपके साथ किसी ने मजाक किया होगा? मजाक किसने किया है ये तो उस वक्त पता लगेगा जब डेथ बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी। हवलदार, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। जाना चाहिए था, अनर्थ हो गया।
यही है। अब वो बार बार इस शरीर में प्रवेश करने का प्रयत्न करेगी। जब भी वो आत्मा इस शरीर में प्रवेश करेगी, ये शरीर हरकत करेगा।
मालिक तुम्हें, मालिक मालिक। सुनील हियर, हेलो डॉक्टर साहब, मैं हरिया बोल रहा हूँ। हाँ बोलो हरिया। डॉक्टर साहब गजब हो गया। हुआ क्या? मालकिन मुर्दा खाने से वापस आ गई है। What? क्या कह रहे थे? सच में तो? डॉक्टर साहब मैं सच कह रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा है तो आप खुद आ जाइए। अरविंद का मालकिन को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा, वो बेहोश हो गए। मेहरबानी करके आप जल्दी आ जाइए। डॉक्टर साहब चंद्रिका को ऊपर अपनी कमरे में। चंद्रिका, चंद्रिका, दरवाजा खोलो चंद्रिका, मैं हूं सुनील। डॉक्टर साहब जब से आई हैं दरवाजा ही नहीं खोला। मैंने भी कई बार दरवाजा थड़थाया, न दरवाजा खोला न कोई जवाब दिया। चंद्रिका, डॉक्टर मैं ठीक हूं, तुम जाओ। आज रात मैं अकेली रहना चाहती हूं। अर्जुन का सुनील, सुनील मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है? देख साइंटिफिकली ये मुमकिन है, ये क्या ये मुमकिन है कि चार घंटा मॉर्ग में रहने के बाद एक लाश के अंदर जान आ जाए? ये महज एक इत्तफाक है। इत्तफाक? ये तुम्हारे लिए इत्तफाक होगा सुनील, मेरे लिए तो ये मौत है। वो तुम्हारी बीवी है। थी सुनील, थी। चंद्रिका मेरी बीवी थी। आज वो सिर्फ एक लाश है। अगर वो सिर्फ एक लाश है तो मौत से चलकर यहां पे कैसे आ गई? कुलगुरु का कहना सच हो गया है सुनील, चंद्रिका की आत्मा ने उसकी लाश में प्रवेश कर दिया है। अर्जुन तुझ जैसे पढ़े लिखे इंसान के मुंह से ये अंधश्रद्धा वाली बातें अच्छी नहीं लगती। अगर तुझे यकीन नहीं आता तो जाकर देख, उसकी आंखों में मौत है सुनील। तुझे गलत फहमी हुई है। नहीं सुनील, उसकी उसकी आंखों की पुतलियां बिल्कुल सफेद हो चुकी हैं। ये तेरी आंखों का धोखा है। मेरी बात समझने की कोशिश करो सुनील, वो मुझे मार डालेगी। वो देख तेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तुझे आराम की जरूरत है। नहीं, मुझे अब इस घर में आराम नसीब नहीं होगा। नहीं देख देख अर्जुन मेरी बात सुन, मैं तुझे इंजेक्शन लगा देता हूँ, दो चार घंटे अगर तू सो जाएगा ना तो तुझे सुकून मिल जाएगा। नहीं सुनील, नहीं 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 अर्जुन, मुझे अब मुझे अर्जुन से उसे यहाँ से निकाल दो। कम ऑन, डोंट बी सिली, यहाँ से ले जाओ सुनील, वो एक लाश है, वो एक लाश है सुनील, उसे यहाँ से ले जाओ, उसे यहाँ से ले जाओ सुनील, उसे यहाँ से ले जाओ, उसे यहाँ से ले जाओ। वो मुझे मार डालेगी, वो मुझे मार डालेगी। नहीं नहीं, वो मुझे मार, वो मुझे मुझे मार डालेगी। रात को ड्यूटी पे कौन था? मैं था साहब। कौन थे? तुम ड्यूटी देते हो या सोते हो? क्या बताऊं साहब, मैं तो जाग ही रहा था,
अचानक मुर्दा खाने से आवाजें आई। मैंने दरवाजा खोल कर देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। क्यों, ऐसा क्या देख लिया तुमने? साहब, वो लाश मुर्दा खाने के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। यह देखते ही मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं साहब। नशा कौन सा करते हो? जी जी मैं पूछ रहा हूँ, नशा कौन सा करते हो तुम? जी दारू पीता हूँ। कल रात को भी पी थी तुमने? थोड़ी सी। थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा पी थी तुमने। तुम नशे में धुत थे। लाश कौन ले गया ये तुम्हें पता तक नहीं चला जी। और अब बहाना बनाकर तुम अपने जुर्म पर पता लगाना चाहते हो? साहब मेरी तो समझ में ही कुछ नहीं आ रहा कि सच क्या है। शट अप यू इडियट। कामले। यस सर। किसी ने अपना जुर्म छुपाने के लिए लाश को गायब कर दिया। वो अच्छी तरह जानता था कि अगर लाश का पोस्टमार्टम कर दिया गया तो उसका राज फाश हो जाएगा। यह हो सकता है सर। अब बस पता यह लगाना है कि लाश को किसने गायब किया और क्यों किया। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पुलिस हमारे सामने उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गई थी और वो मॉर्ग से जिंदा होकर वापस आ गई। दिस इज इम्पॉसिबल। वो नागिन हमारी जिंदगी में जहर घोलने के लिए आई है। उसके मरते मैंने सोचा था कि हमें उसे छुटकारा मिल गया, लेकिन कहां? वो तो मौत के अंधेरों से भी उठकर चली गई। नहीं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अर्जुन, मुझे तो अभी यकीन नहीं आ रहा। क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है नहीं कविता, ऐसा हुआ है, ऐसा ही हुआ है।